वो भी बहुत लो एचपी पे एडमिनो भी यहाँ पे लो एचपी पे फंस चुके हैं बट यहाँ पे ये डीबीएस के सामने भी सब घूम नहीं सकते आपने रिस्क वहां पे लिया बट रिवॉर्ड आपको मिला नहीं थोड़ा तो संभलना चाहिए आपने अभी तो प्लेयर को वहां पे नॉक करने की कोशिश करी थी दो ही खिलाड़ी बचे हुए बट अब का क्या रिवाइवल हो पाएगा या नहीं जाना तो चाहते हैं बट क्या के पास कवर है चलिए अच्छी बात है सही समय पे स्मोक आ चुका है कवर भी आ चुका है वो निकाल चुके हैं वही ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर में निंजा बॉय मैंने नाम ही लिया था नॉक हो गए वहां पे सेंटर में और ग्लोबल स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स वो भी सेंटर में जाते हुए एग्जैक्ट सेंटर पकड़ा हुआ है ग्लोबल ईस्ट फोर्स ने लेकिन शहीद हो गए और अब बाहर की तरफ जाते हुए बतेक एक करके उन्होंने टीम हाइप के प्लेयर्स को करा लॉबी से बाहर और खुद भी हो जाएंगे बाहर टीम रेकनिंग जिनके पास पूरा मौका था जिनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज था जो अच्छा खेल रहे थे वो फंसते हुए टीम इनसे इनकी अगर बात की जाए रेवन के सेंसे का कवर रेमनेंट के सेंस से शानदार कवर देते हुए और टीम रेमनेंट अब शानदार लग रही है मुझे और चिकन के बहुत करीब बट अभी भी ग्लोबल एक्सपोर्ट है अभी भी वो कोशिश कर सकते हैं बट वो जोन के बहुत बाहर बात हम कर रहे थे ग्लोबल एक्सपोर्ट की तारीफ हम कर रहे थे एंड दिस इज वाई इसीलिए हम लोग तारीफ कर रहे थे देखिए जगह सही नहीं है इनके पास हल्का सा लेफ्ट साइड मूव करेंगे किसी और बेटर पोजीशन की तरफ जाएंगे तो शायद मौका बन सकता है

मुझे लगता नहीं यहाँ पे फायदा होगा शॉर्ट ही टेक वन डाउन नो ही आगे दो लगाना चाहेगी कम से कम बिल्कुल बिल्कुल और मावी इस तरफ बढ़ रहे यहां पर आई फोन आई से स्वागत किया जाएगा बुलेट्स के साथ छल किया जाएगा नॉकआउट कंफर्म शायद क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था बहुत रेली होता है कि वो इस तरह से सब कुछ सही जा रहा था दो के चारों के चारों खिलाड़ी जीवित थे बट अभी के लिए गॉड लाइक -like और साइपोर्ट ने परेशान कर दिया उनको और ये क्या था एक झटका एक धमाका जैली के द्वारा और दो खिलाड़ी वहां पर एलिमिनेट होते नजर आए शायद पाएंगे कितने कितने इन्वेंट्रीज उनके पास में कितने ग्रेनेट उनके पास बट ये क्या हम देख पा रहे गॉड लैक वर्सेस ग्लोल ईज गॉड लैक के खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हो रहे हैं तो सामने से ग्लोबल ईज की तो अंजाम दिया जाए तो बेहतर और लक तो रहा है यहाँ पर शायद चारों दिशाओं से सामने बीस्ट करेंगे जॉनी टेक डाउन बीस को निंजा बॉय इज आल्सो देयर जोनाथन इज ही गोना बी एबल टू ब्रिंग द सेकंड फ्रैग और नॉट लो एचपी पे जरूर है निंजा बॉय लेकिन जोनाथन बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है लेफ्ट से खिलाड़ी भी आते हुए स्लग भी आ रहे हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस में सायरेक्स भी आ चुके हैं डस सीम लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज लेकिन क्या सायरेक्स बचाएंगे, आ, 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 निंजा, बॉय, आए, निंजा बॉय घूम के आए डीबीएस का कमाल दिखाया बट पे अगर हो सकता था झटका तो दे दिया बिल्कुल अब होगा देखिए आपने देरी करी ही वहाँ पर एक खिलाड़ी को नॉकआउट करने में कंफर्मेशन निकालने के चक्कर में जिसके चलते थर्ड तो होना लगभग तय ही था आपके लिए चारों दिशाओं से सामने बीस्ट करेंगे जॉनी टेक डाउन बीस को निंजा बॉय इज आल्सो देयर जोनाथन इज़ ही गोना बी एबल टू ब्रिंग द सेकंड फ्रैग और नॉट लो एचपी पे जरूर है निंजा बॉय

ने में कंफर्मेशन निकालने के चक्कर में जिसके चलते थर्ड पार्टीज तो होना लगभग तय ही था यहां पर है देखते हैं रिकनिंग ओ चलिए ग्रेनेड का इस्तेमाल स्लग द्वारा इन बॉटल को कर दिया गया है टेक डाउन अब रिवाइवल के लिए जाएंगे तो सही भी कर लेकिन डीबीएस लगी इस बार बट डीबीएस का बदला निंजा बॉय डाउन होते हुए से उसक करना चाहते हैं लेकिन no! क्या यहाँ पे बच पाएंगे नहीं प्रॉब्लम दी थी अभी आप लोग रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होंगे हम भी सोचते हैं लेकिन मेरे बगल में तो गेम्स है जो फटाफट बता देते हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बैक टू बैक शॉर्स बैक टू बैक फ्रैग्स काफी गजब खेल रहे हैं

वो स्टंट करके आएंगे और निकालेंगे दूसरे स्कॉट को वाइप आउट करते फ्रैक्स अभी निकाल हैं वही बात करें की तो ग्रेनेड से वहां पर खुद का काफी जा रहे है अभी तक काफी कजब का मुकाबला हैं ग्यारह फ्रैग्स लेकिन अभी ग्लोबल ईस्ट के ऊपर कोशिश को ग्रेनेड करके टेक डाउन कर दिया है काफी जबरदस्त ग्लोबल ईस्पोर्ट के मंसूबों पे पानी डालने के लिए तैनात खड़ी है टीम डब्ल्यू एस बी बट मैक्सिका देखिए आप सर्कल के बाहर है जी हाँ बिल्कुल की तरफ से जिन्होंने फाइट ली है टीम डब्ल्यू एस बी उनको तो अंदाजा तक नहीं है लेकिन जैरिफ को भी निकाल दिया बीस विकेट तो रोक नहीं रहे यहाँ पर अगर ग्रेनेडियर का अगर एक टाइटल दिया जाए तो कह सकते हैं इस गेम में हम बीस को जरूर दे सकते हैं टोपी प्रे करें कुछ भी करके पहले फर्स्ट विकेट लगा लीजिए उसके बाद आप ये थ्रो कर सकते थे टाइमिंग का ये खेल और बीस को पता था कि अगर एक ही जगह बार बार अगर वो ग्रेट रहेंगे तो उनको फायदा डिनर तो या फिर अगर आ तो क्या सकते है? ग्लोबल स्पोर्ट वो टीम बन के आ सकती है जो दिन का अंत हैशेग के साथ तो कीजिए बट ग्लोबल स्पोर्ट्स लग रहा है विजेता तो ही चुके हैं यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट काफी क्लोज है और जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे लगता है तो करते हैं बट देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं मैक्सी ओपी अकेले खिलाड़ी लेकिन यहाँ पे निंजा बॉय को